तो दोस्तों एक दूसरे के फार्म में मैं आपको लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या क्या लगे हुए। अमरूद देखिए कितना बड़ा, देखो जी अमरूद, ये बहुत बड़ा गुआभा है, ये लग रहा है खाने लायक हो चुका है। इधर आओ जरा देखो, इधर ये देखिए गुआभा, आम छोटा वाला आम है, साथ में इधर पपाया भी लगा हुआ है। कितना छोटा सा पेड़ है और इसमें पपाया है। ये तूर दाल जिसको बोलते हैं, अरहर वाला अरहर दाल है, वो पेड़ है ये। आपने अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं अरहर का पेड़। गुलाब के फूल हैं लगे हुए। डिफरेंट डिफरेंट तरह के गुलाब हैं, ये पिंक में है, ये रेड कलर का है। ये चीकू है, चीकू जी, पेड़ तो चीकू के काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन फल अगर आप देखेंगे, सीजन ख़त्म हो रहा है बट बहुत बड़े बड़े चीकू होते हैं। आम का टाइम आ रहा है तो आम के मंजर देखिए। ये गुड़हल के फूल, बनाना ट्री, मैंगो देखिए कितना छोटा सा ट्री है एकदम, ये नीचे से फलेगा बिल्कुल। पूरा देखिए फूल आए हुए हैं, भरपूर फूल, छोटे छोटे मैंगो। ये भी आम ही है, अभी इसमें जब आम आएंगे तो बड़े बड़े आम पूरा लदे लदे से रहेंगे। नींबू का पेड़ है, नींबू है इसमें लगा हुआ देखिए, वाह नींबू के पेड़ में नींबू, बड़ा नींबू है। तो इस नींबू को तोड़ा जाए, एक ले लेते हैं। ये देखिए आ गया, तो इस नींबू का भी जूस बनेगा, चाकू जरूरत पड़ेगा। करी पत्ता साउथ में बहुत फेमस है, ये यहाँ लाइन से करी के पत्ते हैं। एक हो गया, ये बनाना है, ये भी देखिए करी के पत्ते, ये करी के पत्ते। अब आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए पपाया, छोटा पपाया एक ही है, छोटू सा ट्री में इतने बड़े। और ये केला, इतना बड़ा केला है कि उसको सपोर्ट के लिए भी लगाना पड़ रहा है। सुपर हरे हरे केले, इतना है कि ये खुद झुक चुका है, इसमें भी जान नहीं है, बट इतना लोड लेके भी रखा हुआ है। पका तो नहीं है बट हाँ, खाने में बहुत टेस्टी रहेगा, ये बहुत मीठे मीठे ऐसे ब्लेंड हो चुका है। इधर भी नींबू के पेड़ हैं, ये देखा है। और ये कोहड़ा जिसको बोलते हैं, शायद वही है, अभी छोटा है बट इसमें कोहड़ा आएगा अभी। दूसरा ये भी जो फूल बोलते हैं हम लोग, बनाना के फूल, और साथ में बनाना, ये भी पूरा बेंड हो चुका है, छोटा सा बनाना ट्री, बट देखिए कितने सारे बनाना लगे हुए हैं। इसका जो बनाना मैंने खाया हुआ है, बहुत टेस्टी बनाना है। ये पपाया पेड़ में कुछ ज़्यादा ही पपाया है। ये कुमड़ो, कोहड़ा बिल्कुल खाने लायक है अभी। ये क्या है पता नहीं मुझे, बट अंगूर के जैसा लग रहा है ये। और एक फल है जो इसको हम लोग राम फल बोलते हैं, वो बहुत स्वीट है, उसका एक पेड़ यहाँ पे होगा,
मैं आपको दिखाता हूँ रामफल। ये है रामफल, सीताफल इसको बोलते हैं, उसी का मेल वर्जन है ये रामफल। हेल्थ के लिए तो बेनिफिट है ही, साथ ही साथ ये बहुत ही मीठा होता है। आम तो आपको दिखाया ही, बहुत सारे आम के पेड़ हैं, मंजर तो अभी बिल्कुल है, इसमें आम आएंगे एकदम लदे हुए आम। और साथ में एक कटहल का पेड़ है, अभी तो कटहल इसमें है नहीं बट छोटा ही पेड़ है। खूबी यही है कि फार्म में अगर आप लगाओगे तो छोटे से ही आपको ये फल देना चालू करेगा। और ये जो सामने देख रहे हैं ये नारियल का पेड़ है, ये भी फूल है, चमेली के फूल। तो देखिए उड़हुल के फूल कितने सुंदर सुंदर लाल लाल। पूरे हैं लाल लाल, ये भी एक अच्छा सा फूल है लाल वाला। नीचे पुदीने के हैं, पुदीने के पत्ते। तो इस बगान में इतना ही है, अब जैसा देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, यहाँ पे नल बोरवेल किया हुआ है, उस बोरवेल का पानी है इनका यहाँ पे, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। पानी बहुत मीठा है। ये तुलसी के पेड़ हैं, नींबू देखिए इनके घर पे आंगन में, नींबू, ये नींबू नहीं, ये इमली का पेड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर आपको किसी और बगान में लेकर चलूँगा।